हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राम बाबू सर, पिछले एक सप्ताह से आप लोग को क्लास नहीं हो रही थी ऑनलाइन, लेकिन मंडे से क्लास होना था ऑनलाइन, लेकिन नेट का प्रॉब्लम था, इस कारण आपका क्लास नहीं हो रहा था। आज भी नेट का प्रॉब्लम है, लेकिन आज भी हम आप लोग को रिकॉर्ड करके और ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो आज हम आप लोग का रिकॉर्डिंग क्लास ले रहे हैं। देखिए, इस बैच में यह बीएससी पार्ट वन का बैच था। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस बैच का टाइम था 11 से 12, डे था मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो पिछले एक क्लास बताए थे और आज क्लास नंबर 2 होगा। तो आज भी हम आप लोग को बेसिक क्लास लेकर आए हैं, जो आप 12 में पढ़ा होगा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वहाँ आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लिया था, और यहाँ हम लोग ऑनर्स में थ्योरम को प्रूफ करेंगे और थ्योरम बेस क्वेश्चन लेंगे, और 12 में फॉर्मूला बेस आप लोग पढ़ा था। तो आज तो रिकॉर्डिंग क्लास है बाबू, हम आप लोग को ग्रुप में सेंड करेंगे। अगर आज का जो क्लास किसी भी छात्र को अगर समझने में दिक्कत होगी, तो अगले क्लास जब लाइव क्लास होगी, या हमको व्हाट्सएप पर पर्सनली आप मैसेज करेंगे कहाँ किसको दिक्कत है, या अगले क्लास में आप कॉमेंट करना, क्लियर। चलिए, तो आज हम अब चलते हैं सिलेबस में। ध्यान देना बाबू, हम आप लोग को बता रहे थे थ्री, ध्यान दीजिएगा, हम आप लोग को बता रहे थे यहां बता रहे थे आप लोग को थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है सॉलिड ज्योमेट्री, क्लियर, या थ्री डायमेंशनल में हम आप लोग को आज बताने जा रहे थे बेसिक क्लास, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप 11-12 में पढ़ के आए हो। पिछले क्लास में भी हम आपको फंडामेंटल चीज बताया था, और आज भी हम आप लोग को बेसिक चीज बताने जा रहे थे। इस चैप्टर का नाम मैंने बताया था कोऑर्डिनेट, इसी को कहेंगे रेक्टेंगुलर स्फेरिकल पोलर एंड सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो आज भी हम आप लोग को बेसिक क्लास ले रहे थे, क्लास 2, और जो आप लोग 12 में पढ़ा था उसी को हम पुनः आपको रिवाइज कर रहे थे। थोड़ा ध्यान देना, पिछले क्लास में भी बताया था कि मान लो यह कोऑर्डिनेट है, तो हम लोग जानते थे टू डायमेंशनल में कि कोऑर्डिनेट दो प्रकार का होता, एक होता है कार्टेशियन और दूसरा होता है पोलर। कार्टेशियन हमेशा एक्स और वाई में होगा, पोलर आर और थीटा में होगा। लेकिन यहाँ थ्री डायमेंशनल है, तीन एक्सिस है, तो हमने कहा था कि अगर मान लो यह दो एक्सिस है, यह ओरिजिन है, मान लो यह एक्स है, यह एक्स डैश है, यह वाई है, यह वाई डैश है, 90-90 का कोण बनेगा। दो एक्सिस से यह चार क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों का मान प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का मान माइनस, वाई का मान प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों का मान माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और एक्स का मान प्लस, वाई का मान माइनस। याद रखना कि दो एक्सिस से चार क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहां हम पढ़ने जा रहे थे थ्री डायमेंशनल। तो थ्री डायमेंशनल यानी तीन एक्सिस से आठ ऑक्टेंट सरफेस
का फॉर्मेशन होगा। देखिए हमने कहा था कि एक्सिस दो प्रकार का होता है, ऑब्लिक्यू एक्सिस और रेक्टेंगुलर एक्सिस, लेकिन हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर एक्सिस ही पढ़ना था। रेक्टेंगुलर एक्सिस का मतलब होता है अगर दो एक्सिस के बीच 90 डिग्री का कोण होगा तो वैसे एक्सिस को रेक्टेंगुलर एक्सिस कहते हैं। रेक्टेंगुलर एक्सिस को ही कहीं कहीं लिखा रहता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों का एक ही मीनिंग हुआ। और ऑब्लिक्यू एक्सिस का मतलब वक्राकार अक्ष, यह हमको पढ़ना नहीं था लेकिन जानकारी होना चाहिए। तो ऑब्लिक्यू एक्सिस किसे कहते, तो आप याद रखेंगे अगर दो एक्सिस के बीच 90 डिग्री का कोण ना हो तो वैसे एक्सिस को ऑब्लिक्यू एक्सिस कहा जाता, लेकिन हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर एक्सिस ही पढ़ना, यानी आप याद रखना रेक्टेंगुलर एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब हमेशा दो दो एक्सिस के बीच 90 डिग्री का ही कोण होगा। दो एक्सिस रहे या तीन एक्सिस रहे या चार एक्सिस रहे या हजार एक्सिस रहे, आप याद रखना बाबू हमेशा दो एक्सिस के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। क्लियर, दो एक्सिस से चार क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होगा और तीन एक्सिस से आठ ऑक्टेंट प्लेन सरफेस का फॉर्मेशन होता है। तो आज भर हम आप लोग को बेसिक क्लास ले रहे हैं और अगले क्लास से हम अपने सिलेबस में प्रवेश कर जाएंगे। जिस जहां से मेरा सिलेबस शुरू होता है उसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। चलिए, तो और किसी भी छात्र को कोई दिक्कत हो तो आप ध्यान देना, इतना तो जानते थे बाबू कि एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स का वैल्यू वाई नियामक जीरो, वाई एक्सिस पर सिर्फ वाई का वैल्यू एक्स नियामक जीरो। क्लियर, तब बताओ मान लो यह एक प्लेन है, थोड़ा बारीकी से आप लोग ध्यान देना कारण यह बेसिक क्लास ले रहा है, यह सब कॉन्सेप्ट है आपका। मान लो यह एक प्लेन है, इस प्लेन को अगर हम तीन भाग में डिवाइड किया इस तरह से, तो यह ओरिजिन है, यह एक्स है, यह वाई है और यह जेड है। वो ओरिजिन है, देखने से लगता 120 तब ना 360 डिग्री, लेकिन हमेशा दो दो एक्सिस के बीच यह 90 डिग्री का ही कोण होता। या हम आपको समझने के लिए यह बाहर की तरफ निकाल दिया, लेकिन यह जेड एक्सिस जनरली यहां होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पिछले क्लास में भी बताया था। अब कह रहा है कि मान लो यह एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स का वैल्यू वाई नियामक जीरो, जेड नियामक जीरो, वाई एक्सिस पर सिर्फ वाई का वैल्यू एक्स और जेड नियामक जीरो, जेड एक्सिस पर सिर्फ जेड का वैल्यू एक्स और वाई नियामक जीरो। ध्यान देना बारीकी से, मान लो यह ओ एक्स और एक्स एक्सिस है, यह ओ वाई वाई एक्सिस है और यह ओ जेड जेड एक्सिस है और यह ओ ओरिजिन है। जनरली ओरिजिन का नियामक 3D में जीरो जीरो और जीरो होता है। ये सब 11th 12th का चीज है, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं यानी सिर्फ बोल रहे हैं, आप थोड़ा बारीकी से ध्यान देना। मान लो यह एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स का वैल्यू होगा वाई और जेड नियामक जीरो। अगर कोई भी पॉइंट, अगर मान लो यह एक्स एक्सिस पर है ए पॉइंट, मान ले यहां से यहां का डिस्टेंस अगर x है, अगर यहां से यहां का डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं कि यह x है, तो यह a पॉइंट का नियामक x कॉमा जीरो कॉमा जीरो। आप याद रखेंगे कि x एक्सिस पर सिर्फ x का वैल्यू y और z नियामक जीरो। मान लो अगर यह b पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो ओरिजिन से यह बी पॉइंट का दूरी मान लेते वाई, तो यह बी पॉइंट का नियामक जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो। अगर मान लो यह सी पॉइंट अगर जेड एक्सिस पर है, अगर यह सी पॉइंट
अगर जेड एक्सिस पर है और यहां से यहां का दूरी अगर हम स्मॉल जेड मान ले तो यह सी पॉइंट का नियामक जीरो जीरो और जेड। यानी आप याद रखेंगे कि एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स का वैल्यू, वाई और जेड नियामक जीरो। बुआ अगर मान लो यह ओ एक्स है तो कह दिया यह ओ एक्स का मतलब होता कि एक्स का मान पॉजिटिव। अगर यहां से अगर इसके तरफ लेते हो मान लो यह एक्स डैश तो इधर एक्स का मान निगेटिव। अगर ऊपर में ओ वाई है अगर नीचे अगर यहां लेते हो ओ वाई डैश इधर वाई का मान निगेटिव। अगर यह ओ जेड पॉजिटिव है इधर लेते हैं जेड डैश इधर निगेटिव हो जाएगा जेड का मान। यानी आप याद रखेंगे कि ओ एक्स का मतलब ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस और ओ एक्स डैश का मतलब निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। डैश नहीं है तो समझना पॉजिटिव वैल्यू, अगर डैश है तो निगेटिव वैल्यू। क्लियर बाबू? चलिए अब हम यहां से कह रहे थे कि मान लो अगर यह टू डायमेंशनल है तो दो चार एक्सिस, अगर यह थ्री डायमेंशनल है तो थ्री डायमेंशनल से आठ गो सरफेस प्लेन का फॉर्मेशन होता है, जो आप ध्यान देना बारीकी से। क्लियर बाबू? अब बताओ कि यह एक प्लेन है, इस प्लेन को अगर इस तरह से हम तीन भाग में डिवाइड किया तो यह ओरिजिन है, यह एक्स है, यह वाई है, यह जेड है, हमेशा यह 90-90 का कोण होगा। मान ले बुआ यह एक्स वाई प्लेन है तो इस प्लेन में इधर एक्स का मान होगा, वाई का मान होगा, जेड नियामक जीरो, यानी यह जेड बराबर जीरो। इधर वाई का वैल्यू होगा, जेड का वैल्यू एक्स नहीं है, यह एक्स बराबर जीरो। इसमें x का मान होगा, z का मान होगा, y नहीं है तो y बराबर जीरो। अगर कहीं यहां से लिखा हुआ है कि z बराबर जीरो तो हम लोग कह सकते थे इतना इज द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, या एक्स वाई प्लेन को कहीं कहीं लिखा रहेगा ओ एक्स वाई प्लेन चलेगा या एक्स ओ वाई प्लेन, इस सब का एक मीनिंग हो गया। बउआ यह एक्स वाई का मतलब जेड बराबर जीरो, यह वाई जेड का मतलब एक्स बराबर जीरो, और यह एक्स जेड का मतलब वाई बराबर जीरो। तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर जीरो है तो आप समझ सकते हो कि किस प्लेन का इक्वेशन है। लेकिन आप याद रखना कि तीन एक्सिस से आठ ऑक्टेंट का फॉर्मेशन होता है और दो एक्सिस से चार क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होता है, तो आप ध्यान देना। क्लियर? आप ध्यान देना कि दो एक्सिस से चार क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होता है, तीन एक्सिस से आठ ऑक्टेंट का फॉर्मेशन होता है। और चलिए यह सब बेसिक है बाबू, एक चीज बताओ, यहां से हमको मालूम चल गया कि अगर मान लो यह कोई भी पॉइंट अगर इस प्लेन में है तो इस प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट अगर मान लिया जाए, अगर यहां पर है तो इस पॉइंट का नियामक इधर एक्स का मान होगा, वाई का मान होगा, जेड नहीं है, इस प्लेन में अगर एक्स वाई प्लेन में होगा तो जेड नियामक जीरो। लेकिन कोई भी पॉइंट अगर अदर पेयर में होगा, पहले एक्स नियामक तब वाई नियामक तब जेड नियामक। थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे, यह बेसिक क्लास ले रहे हैं और यह बेसिक क्लास मेरा 20 क्लास कम कर देगा बाबू, इसलिए बारीकी से आप लोग ध्यान देना। चलिए मान लो यहां पर यह एक्स होगा, वाई होगा और जीरो। अगर वाई जेड प्लेन में कोई पॉइंट है तो एक्स नहीं है, जीरो होगा, वाई होगा और जेड। अगर इस प्लेन में है तो यहां एक्स होगा, जीरो होगा और जेड होगा। क्लियर? अब एक चीज बताओ, अगर हम यहां से ले रहे हैं, मान लिया
यहां से यह एक प्लेन है, इसको अगर हम तीन भाग में डिवाइड किया, अगर मान लेते यहां पर यह कोई पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट तो हवा में ना होगा, किसी के सापेक्ष होगा, तो पी पॉइंट से इस प्लेन पर लंब डाल दिया पी से पी क्यू, तो यह 90 का कोण होगा। लेकिन यह एक्स एक्सिस को मान लो यहां से यहां कट किया यह एम पॉइंट पर, तो जनरली हम फिगर मानते थे कि ओ से एम का दूरी एक्स है, यह वाई एक्सिस का पैरेलल है, तो यहां से यहां का दूरी वाई है और इधर जेड एक्सिस हम आपको समझने के लिए बाहर निकाल दिया, लेकिन यह बाहर होगा नहीं, यह जेड एक्सिस अगर इधर लेते हैं तो यहां से यहां का दूरी मान लेते यह जेड है, तो यही पी पॉइंट पर जाने के लिए तो पहले एक्स नियामक, तब वाई नियामक, तब जेड नियामक, यह पी पॉइंट का नियामक हो गया एक्स वाई और जेड। तो आप याद रखेंगे कोई भी पॉइंट अगर ऑर्डर पेयर में होगा, पहले एक्स नियामक, तब वाई नियामक, तब जेड नियामक। लेकिन एक चीज कहोगे कि मान ले या पी पॉइंट से लंब डाला इस प्लेन में, तो एक्स एक्सिस को एम पॉइंट पर कट किया, समझने के लिए हम ओ से एम का दूरी मान लिया एक्स, यहां से यहां का दूरी, लेकिन जनरली यहां से यहां का दूरी नहीं होता, यह तेरा है, थ्री डायमेंशनल है। तो मान लेते हैं अगर यहां से अगर हम यहां से अगर इसको लेते हो ना, तो मान लो यहां पर कट किया, तो यहां से यहां का दूरी है x, ध्यान देंगे, लेकिन जनरली हम यह पॉइंट हो गया मान लो, तो यहां से यहां का दूरी x है, लेकिन हम समझने के लिए फिगर से o से m का दूरी ही x कह दिया, लेकिन o से मान लेते यह n है, तो o से n का दूरी x है, कारण थ्री डायमेंशनल है, तो आप कोई दो एक्सिस ही देख पाओगे, एक एक्सिस इमेजिन करना होगा, मान लो कि ऐसा होता है, कारण यह हम आपको समझने के लिए यह जेड एक्सिस बाहर की तरफ लिया, लेकिन यह जेड एक्सिस बाहर की तरफ नहीं है भैया, यह जेड एक्सिस हमेशा इधर लेते हैं। जब आप किताब में जनरली जब फिगर देखोगे ना, तो इस तरह से होता है, यह ओरिजिन है, मान लो यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हमेशा दो दो एक्सिस के बीच यह 90-90 का कोण होता है। यह समझने के लिए हमने इसको बाहर की तरफ निकाल दिया, लेकिन आप याद रखना अगर तीन एक्सिस है तो कोई दो एक्सिस ही आप देख पाओगे, एक एक्सिस इमेजिन कर लेना, मान लेना कि ऐसा होता है। क्लियर बाबू? चलिए अब हम यहां से कह रहे थे, आप याद रखेंगे नोट में, कि दो एक्सिस से चार क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होता है, यहां से लिख लो नोट में, ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं क्वेश्चन भी रहता है बाबू, यहां से कह रहे इफ टू एक्सिस देन वी फॉर्मेशन फोर फोर क्वाड्रेंट, दो एक्सिस से चार क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होता है, पहला नंबर, और सेकेंड नंबर कि इफ थ्री एक्सिस देन वी फॉर्मेशन फॉर्मेशन फोर एट ऑक्टेंट या सरफेस या प्लेन, तीन एक्सिस से आठ प्लेन का फॉर्मेशन होगा और दो एक्सिस से चार क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होगा, तो ये पहले एक्स तब वाई तब जेड। हम यहां से एक चार्ट बना रहे हैं, इस चार्ट पर थोड़ा ध्यान देंगे, इस चार्ट पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, मान लेते हैं इधर हम ले लेते हैं कि यह ऑक्टेंट है और इधर ले लिया कि यह कोऑर्डिनेट है यानी नियामक है। क्लियर? देखो यहां से हम एक चार्ट बना दिया, बारीकी से आप समझना, बारीकी से समझना, बुआ
यहाँ थोड़ा बारीकी से समझिए आप। मान लो यह एक्स नियामक, यह वाई नियामक, यह जेड नियामक। हमने कहा कि तीन एक्सिस से आठ ऑक्टेंट का फॉर्मेशन होता है, तो मान लेते यह है। तो सोचिए ना आप, अगर एक्स वाई जेड है, या तीनों का मान प्लस या तीनों का मान माइनस, या कोई एक प्लस दो माइनस, कोई एक प्लस दो माइनस, कोई एक प्लस दो माइनस, या कोई दो प्लस एक माइनस, आराम से क्लियर हो जाएगा। हमने एक अभी कहा था कि ओ एक्स अगर डैश नहीं है तो आप समझना पॉजिटिव, अगर डैश है तो समझना निगेटिव, क्लियर। लेकिन कोई भी पॉइंट अगर ऑर्डर पेयर में होगा, पहले एक्स तब वाई तब जेड। चलिए तो हम यहां से लेते हैं बुआ, यह मान लेते ओ एक्स वाई और जेड, यह ले लिए ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स वाई डैश जेड, ओ एक्स वाई जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, ओ एक्स वाई एक्स डैश वाई और जेड डैश, ले लिया ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, और एक ले लिया ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ध्यान देना, यह ले लिया ओ एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। बुआ बताओ, यहां एक्स वाई जेड है, थोड़ा आप बारीकी से ध्यान देना, थोड़ा बारीकी से आप ध्यान दीजिए। यहां पर कह रहा है यहां एक्स वाई जेड है, तो यहां एक्स पर वाई पर जेड पर डैश नहीं है, इसका मतलब एक्स का मान प्लस वाई का मान प्लस जेड का मान प्लस, एक्स पर डैश है इसका मतलब एक्स का मान माइनस वाई का मान प्लस जेड का मान प्लस, यहाँ एक्स का मान प्लस वाई का मान माइनस जेड का मान प्लस, एक्स का मान प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसमें तीन हो गया माइनस माइनस माइनस। इसका मतलब एक्स वाई जेड है, कहीं कहीं किताब में यह भी लिखा रहेगा फर्स्ट ऑक्टेंट सेकेंड थर्ड फोर्थ एट्थ। तो सबसे आसान है, तीनों का मान प्लस, कोई एक माइनस दो प्लस, कोई एक माइनस दो प्लस, कोई एक माइनस दो प्लस, कोई दो माइनस एक प्लस, दो माइनस एक प्लस, दो माइनस, तीनों का मान माइनस। अगर इसी को हम अगर ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो हम लोग यहां से कह सकते थे यह हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, यह हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, यह जगह प्लस माइनस प्लस, ध्यान दे रहा है, जगह प्लस प्लस माइनस, जगह माइनस माइनस प्लस, यह हो गया माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसमें हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस। या अगर ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हो तो इसी को आप लिख सकते हो, क्या बाबू, यह हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसमें हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये जगह एक्स कॉमा माइनस वाई कॉमा जेड, इस तरह बढ़ते गए लास्ट में यह हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। मतलब एक्स वाई जेड का साइन देखकर तुम पकड़ सकते हो कि वह पॉइंट किस ऑक्टेंट में है, वह पॉइंट किस प्लेन में है, किस सरफेस में है, आसानी से मालूम चल जाएगा वह पॉइंट किस एक्सिस पर है, मतलब उस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, आप आसानी से समझ सकते हो, क्लियर है सभी आदमी। अब बताओ, जनरली हम यहां से कहा था फिगर में कि एक्स एक्सिस लिया, लेकिन 13 लाइन है, इसलिए हम लोग वहां से वहां ओ से एन का दूरी एक्स है, लेकिन ओ से एम का दूरी को ही एक्स मान लिया था। अब हम आपको बता रहे हैं, यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे बारीकी से, अगर आप मेरा थ्योरी समझ जाओगे तो आसानी से क्लियर करेंगे एक के बाद एक चीज हम आपको, क्लियर बाबू, तो थोड़ा ध्यान देना।
और हम प्रयास करेंगे अच्छी तरह, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और जरूर समझ में आएगा बाबू, थोड़ा बारीकी से आप अगर ध्यान देते हो तो। क्लियर? तो बढ़े आगे, ये सब याद रखना था बाबू। चलिए अब हम यहां बता रहे हैं आप लोग को, कराता स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता, बारीकी से ध्यान देना सब आदमी, करा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, आपने तो 11 में पढ़ा था बाबू। कोऑर्डिनेट दो प्रकार का, एक्स और वाई और आर थीटा, कार्टेशियन और पोलर। यहां करा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता, तो हम मान लेते हैं कि कोई भी अगर एक्सिस है, मान लो यहां से, तो ध्यान दीजिएगा फिगर पर और जरूर आपको समझ में आएगा फिगर। देखो मान लो यह एक प्लेन है, इसको अगर हम यहां से तीन भाग में डिवाइड कर दिया, मान लो यह ओरिजिन है, मान लिया यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह जेड एक्सिस है। हमने कहा था, थोड़ा अगर ध्यान देते हो आप तो मान लेते उधर ऊपर ओ जेड है, प्लस है, अगर नीचे लेंगे तो यह जेड डैश हो जाएगा, यह ओ वाई है, इधर लेंगे तो वाई डैश हो जाएगा, इधर लेंगे तो यह ओ एक्स डैश हो जाएगा। क्लियर? मान लेते बाबू, इस तरह से समझ में आ रहा है, इसको हम अभी हटा देते हैं। क्लियर? या मान लेते यह लिया तो यह वाई डैश रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यह हो जाएगा वाई डैश। हमने कहा था कि हमेशा दो दो एक्सिस के बीच 90 डिग्री का ही कोण होता है। अब मान लेते बाबू कि अगर यहां पर यह कोई पी पॉइंट है, यह पी पॉइंट तो हवा में ना होगा, किसी के सापेक्ष होगा। अगर पी से हम इस पर लंब डाल दिया, मान लो पी से पी एन। क्लियर? और यहां ओ से अगर पी को मिलाया तो इसको मान लिया आर, यहां से यह ओ पी है तो जेड एक्सिस पर यह कोण बनाया थीटा। समझ में आ रहा फिगर? यह मान लेते हैं ओ से पी का दूरी हम यहां पर ले लिया आर, यह कोण जो बनाया ना यह कोण थीटा। बउआ मान लो यह ओ एक्स है, ओ से अगर यह एन को मिलाया तो मान लेते यह दूरी हम मान लेते यू, यह कोण यहां पर बना दिया फाई, फाई। क्लियर? तो अब बताओ यह पी पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में होता है, इसका नियामक होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और स्फेरिकल पोलर में तो इसी पी पॉइंट का नियामक हो गया आर थीटा और फाई। तो आर मतलब यहां से यहां का दूरी, यह थीटा और यह कोण, यह ले लिया फाई। क्लियर? इसी को थोड़ा लैंग्वेज लिखा देते हैं, फिगर समझ गए होंगे तो लिखिएगा कि लेट एक्स डैश ओ एक्स वाई डैश ओ वाई एंड जेड डैश ओ जेड इतना बी द सेट ऑफ, बी द सेट ऑफ रेक्टेंगुलर, बी द सेट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, यानी हमेशा दो दो एक्सिस के बीच 90 डिग्री का ही कोण होगा। क्लियर है? चलिए अब हम यहां से लेते हैं कि मान लेते हैं यह पी कोई भी पॉइंट है, यह मान लिया कि यह पी कोई भी पॉइंट है जो इस प्लेन में है। क्लियर? लिखा जाए बाबू कि लेट पी बी द एनी पॉइंट इन द स्पेस, लेट पी बी द एनी पॉइंट इन द स्पेस,
इस प्लेन सरफेस में कोई भी पॉइंट है, पी पॉइंट तो हवा में ना होगा, तो पी से हम पी एन लंब डाल दिया, क्लियर। वी दरा हम लोग डालते हैं पी से पी एन परपेंडिकुलर ऑन द, यह जो हो गया बाबू इसको कहेंगे एक्स वाई प्लेन, यह हो गया एक्स वाई प्लेन, मतलब पी से पी एन लंब डाल दिया एक्स वाई प्लेन पे। तो यहां से मान लेते हैं कि द पोजीशन ऑफ पी इज डिटरमिन इफ द लेंथ ऑफ ओपी, क्लियर, लेंथ ओपी एंड यहां से ले लिया लेंथ जेड एंड इसके बाद लिखते हैं, चलिए क्लियर है, बता दे इसको बाबू थोड़ा समझे आसानी से, थोड़ा लैंग्वेज लिखा देते हैं, उसे लैंग्वेज लिखना कोई जरूरी नहीं था लेकिन आपको समझने में ज्यादा सहूलियत होगा इसलिए थोड़ा लैंग्वेज लिखा रहे थे बाबू। तो लेंथ ओ पी एंड जेड ओ पी एंड एक्स ओ एन आर नोन, देखो हम यहां से मान लेते हैं कि लेट या वी सपोज दैट ओ से पी का दूरी आर, यह कौन मान लिया जेड ओ पी, जेड ओ पी बराबर थीटा, और कौन मान लिया एक्स ओ एन, या एक्स ओ एन बराबर फाई, तब यहां से कहेंगे देन आर थीटा और फाई इतना इज कॉल्ड, कहा जाता पोलर एस्फेरिकल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, यही पी पॉइंट का नियामक ले लिया आर थीटा फाई, इसी को कह दिया पोलर स्फेरिकल, या कहीं कहीं लिखा रहेगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, दोनों का एक के मीनिंग हो गया, क्लियर। यहां से हम लोग कह सकते थे एल्सो, अगर इसको अदर पेयर में लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो एल्सो 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 इट इज डिनोटेड बाय, लिखा जाए एल्सो इट इज डिनोटेड बाय आर कॉमा थीटा कॉमा फाई। बउआ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसका मतलब आप कह सकते थे हेयर, यह जो ओ से पी का दूरी लिया ना, तो यह ओ जो पी डिस्टेंस है, तो यहां से कहेंगे हेयर यह ओ पी यानी आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यह जो थीटा लिया यह हमेशा जीरो से 180 के बीच होगा, तो जीरो लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, और यह जो फाई लिया यह फाई जो एंगल है ना, इसका मान जीरो से और 360 के बीच यानी 2 पाई के बीच होता है, यह आप याद रखेंगे पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यानी आर थीटा और फाई। जब पोलर स्फेरिकल समझ रहे हो तो यहां से नियम है बाबू, वैसे प्रूव करना था कि कार्टेशियन का मतलब एक्स वाई और पोलर का मतलब आर थीटा फाई, क्लियर। तो यहां से कहेगा एक और चीज आप समझ लो कि सिलिंडर कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्लियर, सिलिंडर कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो इस सब का खाली यूज होता है इसलिए यह सब पढ़ना जरूरी नहीं था लेकिन सवाल में यूज होता है इसलिए हम आपको यह सारा कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहे थे, क्लियर बाबू। चलिए अब यहां से कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन
कार्टेशियन एंड पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ध्यान देना बाबू, करा रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन और पोलर, कार्टेशियन और पोलर स्फेरिकल में क्या संबंध है। इसका मतलब अभी आपने कहा था कि यह एक प्लेन है, इसको तीन भाग में डिवाइड किया, ओरिजिन है एक्स है, वाई है और जेड है, यह 90 का कोण बन। मान लो यहाँ पर यह पी पॉइंट है, इसी पी पॉइंट का नियामक है एक्स वाई और जेड कार्टेशियन, और यही पोलर स्फेरिकल इसी पॉइंट का नियामक मान लिया था आर थीटा और फाइव। करा दोनों में क्या रिलेशन है, इसका मतलब अगर कार्टेशियन है तो पोलर स्फेरिकल बना दो, अगर पोलर स्फेरिकल है तो कार्टेशियन बना दो। तो इसको तो प्रूफ करना था, लेकिन हम प्रूफ नहीं कर रहे बाबू, सिर्फ समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, कहिएगा तो हम प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन प्रूफ कोई जरूरी नहीं है। क्लियर बाबू, कहिएगा हम प्रूफ कर देंगे। चलिए तो मान लो अगर हमको एक्स वाई जेड अगर दिया है, करा आर थीटा फाई निकाल दो, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा दे बाबू। देखो अगर मान लो यह एक्स वाई और जेड अगर दिया है, अगर यहां से पूछ रहा आर का मान, तो आर का मान होगा अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर यहां से अगर यह थीटा का मान निकालोगे तो थीटा का मान हो जाता है टैन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे जेड, और यह फाई का मान निकालेंगे तो फाई का मान हो जाता है टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। मतलब अगर एक्स वाई जेड दिया जाए तो आर थीटा फाई का मान इस तरह से आप निकाल सकते हो, इसका प्रूफ भी है, हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग अगले क्लास में कहोगे तो हम इसको प्रूफ करके बता देंगे, लेकिन प्रूफ पूछता नहीं है भैया, क्वेश्चन बनाने में इसका यूज होगा, इसलिए यह फॉर्मूला थोड़ा हमने लिखा देते हैं ताकि जब हम क्वेश्चन ले तो वहाँ आपको हाथ हेपन नहीं रहना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन अगर कहाँ से बनता है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आर थीटा फाई निकालना है और एक्स वाई जेड दिया है तो आप इस तरह से आर थीटा फाई का मान निकाल सकते हो। अगर मान लो ऐसा भी तो हो सकता, ऐसा भी तो हो सकता कि अगर मान लो हमको आर थीटा और फाई का मान दिया है, अगर एक्स का मान निकालो, वाई का मान निकालो, जेड का मान निकालो, तो यह एक्स का मान हम लोग लेते थे आर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई, वाई का मान निकालोगे तो हो जाएगा आर इंटू साइन थीटा इंटू साइन फाई, और जेड बराबर हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा। मतलब अगर आर थीटा फाई दिया जाए तो आप एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हो, अगर एक्स वाई जेड दिया जाए तो आप आर थीटा फाई का मान निकाल सकते हो। अब यहां से कह रहा है, ध्यान देना, अब यहां से कह रहा था पोलर पोलर सिलिंडर या सिलिंडर है ना, सिलिंडर कोऑर्डिनेट, ध्यान देना बाबू, पोलर सिलिंडर कोऑर्डिनेट। देखो पोलर सिलिंडर कोऑर्डिनेट, वैसे जब थ्री डी में पढ़ेंगे ना तो एक चैप्टर भी पढ़ता कौन सिलिंडर और कौन क्वाइड, थोड़ा अगर ध्यान देना। मान लो यह एक प्लेन है, इसको इस तरह से हम डिवाइड कर दे, यह ओरिजिन है, मान लो यह एक्स है,
यह वाई है और यह जेड है, हमेशा दो दो एक्सिस के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। अगर मान लो यहाँ पर यह कोई पी पॉइंट है, यह पी पॉइंट तो हवा में नहीं होगा, किसी के सापेक्ष होगा, तो पी पॉइंट से इस प्लेन पर पी एन लंब डालते। अगर दो ही एक्सिस होता ना एक्स और वाई, तो पी पॉइंट से इस एक्सिस पर लंब डालते। तो हमने कहा था फिगर से अगर यह पी पॉइंट से इस प्लेन पर लंब डाला, मान लो पी से पी एन और ओ से अगर इसको मिलाते हो तो जेड एक्सिस है, तो ओ से एन का मान मान लेते हैं कि यह रो है। मैंने कहा था कि यह कोण फाई है और यहां से यहां का दूरी एक्स, देखिए यहां से यहां का दूरी नहीं, यहां से अगर इसको मिलाएंगे ना, बात हो ना, तो यह वाई है, यह जेड है, तो यहां से यहां का दूरी यह जेड हो गया, यह वाई है तो यह y हो गया इसके पैरेलल, और यह पूरा यहां से यहां का दूरी, मान ले यहां से यहां का दूरी लेंगे तो यह x हो गया। इस समझने के लिए हम यही कह दिया था x है। तो यह p पॉइंट का नियामक पोलर सिलिंडर कोऑर्डिनेट में होता है रो फाई और z, क्लियर। अगर o से p को मिला दिया तो लिख लो यहां पर सर, यह ओ एन बराबर हम मान लिया कि रो, यह जो कोण लिया एक्स ओ एन, यह एक्स ओ एन बराबर फाई, और यह पी से एन जेड एक्स का पल पी एन का मान हो गया जेड, क्लियर। अब देख रहे हैं यह एक ट्रायंगल बन रहा ओ ओ, मान लेते यह ए पॉइंट पर कट करता है, तो यह एक ट्रायंगल मान लो कि यह हो गया मेरा ट्रायंगल ओ ए एन। अगर यह एन पॉइंट अगर लेते हो, यह एक ट्रायंगल बन गया, क्लियर। यहां से कह सकते हो बाबू कि एन ट्रायंगल ओ ए और एन में अगर इस कोण को अगर कॉस के साथ ले, तो कॉस का मतलब बी बाई एच, तो यहां से यह हो जाएगा कॉस फाई बराबर b by h, तो जानते थे राइट एंगल ट्रायंगल, तो 90 के सामने की भुजा हाइपोटेनियस, जिस कोण को लेंगे उसके सामने की भुजा लंब, शेष भुजा आधार। तो cos का फॉर्मूला होता है b by h, तो b का मतलब यहाँ हो गया OA, यहाँ से यहाँ दूरी यह मान लेते यह a है, तो OA बटा ON, तो यह हो जाएगा OA बटा ON, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो गया बाबू कि cos phi ओ ए का मान x, ओ एन का मान रो, इसीलिए यह x बराबर रो इंटू cos phi, यह x का वैल्यू आ गया कितना रो इंटू cos phi। उसी तरह से अगर इसी ट्रायंगल में अगर हम साइन के साथ लेना चाहते हैं, अगर हम इसको साइन के साथ ले, तो साइन फाई तो पी बाई एच, तो पी का मतलब यहां से ले लो, यह हो गया एन ए, यह ए हो गया बाबू, तो एन ए बता यह ओ एन बुआ, यह वाई है, यह हो जाएगा वाई बता रो, कोने का नहीं गुना करोगे तो वाई बराबर रो इन तो साइन फाई, और x का वैल्यू यह हो गया रो इंटू कॉस फाई, क्लियर। अब बताओ यह x और y है, अगर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो जगह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, जब रो स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सिर्फ बचेगा रो स्क्वायर। अगर यहां से हम रो का मान निकालेंगे तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। मान लेते अगर इस कोण को अगर टेन के साथ लो, तो टेन का फॉर्मूला पी बाई बी, तो हो जाएगा एन ए बटा ओ एन। अगर इसी ट्रायंगल में अगर हम इसको अगर टेन के साथ लेते हैं, ध्यान देना, अगर इसी ट्रायंगल में अगर हम इसको टेन फाई, तो टेन का फॉर्मूला पी बाई बी, तो जगह एन ए बता एन ए बता यह ओ ए अन वाई बाई एक्स, तो फाई बराबर
टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब अगर यहाँ एक्स वाई और जेड दिया है तो आप निकालना चाहते थे रो का मान, तो ये जगह रो, समझ में? अगर इसी को अदर पेयर में लिखेंगे तो यह एक्स की जगह कितना लिखेगा, रो इंटू कॉस फाई, रो इंटू साइन फाई, या जेड रहेगा ही। अगर रो फाई और जेड दिया जाए तो आप निकाल सकते हो। क्लियर है बाबू? तो आसानी से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, जो बता दिया है रो का मान फाई का मान, तो आसानी से हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर बाबू? अब बताइए, हम लोग यहाँ पढ़े थे, क्या पढ़ा था, फार्मूला का यूज है, आपने पढ़ा था यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, करा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो 11-12 में फार्मूला पढ़ा था कि मान लो यह ए और बी कोई दो पॉइंट है, यह ए पॉइंट का नियामक है एक्स वन और वाई वन, और बी पॉइंट है एक्स टू और वाई टू, दोनों पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी का मान पढ़े थे 11-12 में कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट जगह एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अगर मान लो यहीं पर कह रहा है कि यह कोई दो पॉइंट है ए और बी, तो ए पॉइंट का नियामक है एक्स वन वाई वन और जेड वन, और यह बी पॉइंट का नियामक है एक्स टू वाई टू और जेड टू, ध्यान दे रहे हैं? तो दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालोगे तो फॉर्मूला लिखने का यही तरीका, सिर्फ एगो एक्स बढ़ जाएगा, यह हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। यह फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, प्रूफ भी किया था, लेकिन यहाँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर? एक आपने यह भी पढ़ा था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक आपने यहाँ पढ़ा था बाबू, इसका नाम था रेशियो फॉर्मूला, या रेशियो फॉर्मूला को ही हम लोग कहीं कहीं कहते थे डिवीजन फॉर्मूला, या इसी का नाम कहीं कहीं लिखा रहता है सेक्शन फॉर्मूला, जो आप 9th-10th में ही पढ़ चुके हो, आज भर हम आप लोग को यह रिवाइज कर रहे थे। तो रेशियो फॉर्मूला क्या कहता था कि मान लो यह ए और बी कोई दो पॉइंट है, दोनों का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है, मान लिया कि पी कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इस ए बी रेखा को, मान लिया यह एम और एन के रेशियो में डिवाइड किया, तो ए से पी का दूरी एम और पी से बी का दूरी एम, तो ए से पी का दूरी एम, पी से बी का दूरी एन। अब कह रहा यह पी पॉइंट इस ए बी रेखा को किस तरह डिवाइड करता है, तो मान लो यह पी पॉइंट इस ए बी रेखा को तीन तरह से डिवाइड कर सकता था, या तो इंटरनल अंतः भाग, या बाहरी भाग एक्सटर्नल, या मिडिल पॉइंट। तो आपने 11 में ही पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि अगर मान लो यहां से हम ले लिया यह ए पी बटा पी बी इतना का मान है एम बाई एन, अगर दोनों का रेशियो अगर पॉजिटिव आ जाए तब कहेंगे सो द पॉइंट पी डिवाइड इंटरनल इन द लाइन ए बी, इस ए बी रेखा को अंतः भाग में डिवाइड करेगा। क्लियर है? पढ़ा था 11 में आप, ऐसा भी हो सकता
अगर मान लो सेकंड नंबर यहां से लेते हैं या सेकंड नंबर लेते हैं, सेकंड नंबर कह दिया कि यह एपी बटा पीबी का रेशियो एम बाई एन, अगर इसका मान निगेटिव है यानी इसका मतलब हो गया लेस देन जीरो है, तो सो द पी पॉइंट पी डिवाइड एक्सटर्नल इन द लाइन ए बी, तो बाहर में डिवाइड करेगा। अगर दोनों का रेशियो अगर सेम आ जाए यानी थर्ड नंबर या ए पी बराबर पी बी हो जाए यानी इसका मतलब हुआ m बराबर n आ जाए, तो यह P पॉइंट इस ए बी रेखा को मिडिल पॉइंट पर कट करता है, तब यहां से कह सकते हो सो द पॉइंट P डिवाइड ए बी इन द मिडिल पॉइंट मध्य भाग। क्लियर, यह 11 का कॉन्सेप्ट था। तब थोड़ा देख लीजिए इस पर थोड़ा देख लीजिए फॉर्मूला, उसे 11 का कॉन्सेप्ट था। तो हम कह रहे हैं बाबू कि मान लो यह ए और बी कोई दो पॉइंट है, यह ए पॉइंट का नियामक मान लिया एक्स वन वाई वन और जेड वन, यह बी पॉइंट का नियामक है एक्स टू वाई टू और जेड टू। मान लिया यह P कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इसको M और N के रेशियो में डिवाइड किया। अब हम मान लेते हैं कि फोर इंटरनल अगर अंत भाग होगा तो यह P पॉइंट का नियामक पढ़े थे M गुना X नियामक प्लस N गुना X नियामक बते दोनों का सम, पढ़ा था 11 में एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन बता एम प्लस एन, यह हो जाएगा एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन बते एम प्लस एन, सिर्फ एगो नियामक बढ़ जाएगा तो यह एम इंटू जेड टू प्लस एन इंटू जेड वन बाई एम प्लस एन। क्लियर, अगर मान लेते हैं फोर एक्सटर्नल अगर बाहरी भाग में होगा तो पी पॉइंट का नियामक, फॉर्मूला लिखने का यही तरीका सिर्फ बीच में माइनस का साइन, तो पढ़ा था फॉर्मूला आपने एम इंटू एक्स टू माइनस एन इंटू एक्स वन बते एम माइनस एन, तो जगह m इंटू वाई टू माइनस एन इंटू वाई वन बट एम माइनस एन, सिर्फ एगो एक्स बढ़ जाता m इंटू जेड टू माइनस एन इंटू जेड वन बाई एम माइनस एन। अगर यह मिडिल पॉइंट पर होता है फोर मिडिल पॉइंट, इसका मतलब m और n का वैल्यू सेम है, जब यहाँ m m सेम है m m टू m m कॉमन लेंगे कट जाएगा, यही p पॉइंट का नियामक हो जाएगा कि दोनों नियामक को जोड़ के दूसरे भागा, दोनों नियामक को जोड़ के दूसरे भागा, दोनों नियामक को जोड़ के दूसरे भागा, पढ़ा था आपने 11 में, इसलिए हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे, फार्मूला का यूज होगा इसलिए बता रहे। और बहुत जगह देखिएगा ना यह एम और एन जो लिखते हो ना, क्वेश्चन बनाने के लिए कम गुना भाग करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहां से लैम्डा और वन के रेशियो मान लेते तो कम गुना भाग करना पड़ेगा। तो यह आपका बेसिक क्लास था। थोड़ा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी 12 में 3D पढ़ा था थोड़ा फॉर्मूला देख लेंगे, ज़्यादा फायदा होगा। अगर नहीं भी देख पाते हो तो हम आपको अलग से समय देकर जहाँ यूज होता है 11 12 का फॉर्मूला उसको हम थोड़ा डिराइव करने का प्रयास करते ताकि आपको रिवाइज हो जाए, माइंड में एक बार सेटअप हो जाए कि आपने यह फॉर्मूला पढ़ा था, कारण कि हम उस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। और जहाँ जो फॉर्मूला प्रूफ करना है प्रूफ करेंगे। तो आज हम आपको बेसिक क्लास दिए लेकिन आज किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं हो पाया था, पिछले एक सप्ताह से क्लास नहीं हो रही थी, तो अब कंटिन्यू क्लास होगा। अब देखते हैं कल लाइव क्लास हो पाती है कि नहीं, अगर नहीं हो पाएगी लाइव तो फिर आपको रिकॉर्ड करके ही ग्रुप में डालेंगे।
क्लियर। तो अगले क्लास में हम एक नया चैप्टर लेकर आते हैं, इस चैप्टर का नाम होगा बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नया चैप्टर यहीं से सिलेबस शुरू है, इस चैप्टर का नाम है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, या डायरेक्शन कोसाइन के बिना आप 3D में किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बना सकते हो, इसका यूज होता है। जैसे आपने 11 में पढ़ा था फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहां एक चैप्टर पढ़ा होगा लोकस के बारे में, जस्ट लोकस का ही कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन कभी कभी डायरेक्शन कोसाइन से भी क्वेश्चन पूछता है, तो हम आपको डीप में पूरा गहराई में जाकर बताएंगे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता किसी भी लाइन का। तो यह अगले क्लास में लेकर आते हैं नया चैप्टर डायरेक्शन कोसाइन। जब तक आप लोग को हम होमवर्क में जो हमने बेसिक बताया, कुछ आपने देखा उसको थोड़ा देख लेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश जुनून के साथ, नया चैप्टर लेकर आएंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन।